आपको बता रहा हूं, इन सारे आंकड़ों से यह बात सिद्ध होती है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश में प्रजा राज्य की स्थापना नहीं की जैसा संविधान में लिखा हुआ है। प्रजा राज्य के बजाय जवाहरलाल नेहरू ने ब्राह्मण राज की स्थापना की और देश का राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गणतंत्र का राष्ट्र प्रमुख, काशी वाराणसी गया ब्राह्मणों की राजधानी, 200 ब्राह्मणों को इकट्ठा किया, पैर धोकर 2 चम्मच गंदा पानी उठाया और राष्ट्रपति ने पी लिया और व्यवहार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने घोषित किया कि देश में प्रजा राज्य की नहीं ब्राह्मण राज की स्थापना हो गई है। हमारे लोगों को पता ही नहीं, अरे अंग्रेजों के जगह ब्राह्मण राज भारत में आ गया है, पता ही नहीं है। वो MLA बन गए इसी में खुश है, MP बन गए इसी में खुश है, उनको तो ये भी मालूम नहीं है MLA प्रतिनिधि होता है और समाज का प्रतिनिधि होता है, समाज के लिए लड़ता ही नहीं है, पार्टी की वफादारी निभाता है। जैसे कुत्ता अपने मालिक का वफादार होता है वैसे MLA और MP पार्टी का वफादार होता है। काल्पनिक बातें नहीं कह रहे, मेरे पास बहुत सारा तथ्य है, सबूत है, बताऊंगा, बहुत लंबा समय हो जाएगा। साथियों, ये जो ब्राह्मण राज नेहरू ने स्थापित किया, अगर जाति आधारित गिनती होती है ब्राह्मण राज खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म होगा, 1 मिनट में आपको बता रहा हूं, देखो कैसे खत्म होगा। 3% ब्राह्मण, 15% मुसलमानों को कहता है, 15% मुसलमान अल्पसंख्यक है, तो समझ आ रहा है। हमारे लोगों को बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती, ये मेरी समस्या। 3% ब्राह्मण, 15% मुसलमानों को कहता है मुसलमान अल्पसंख्यक है। अरे 15% मुसलमान अगर अल्पसंख्यक है तो ब्राह्मण 3% मुसलमानों के मुकाबले में 5 गुना अल्पसंख्यक है। 3×5=15, 5 गुना अल्पसंख्यक। ब्राह्मण कभी भी अपने को अल्पसंख्यक नहीं कहता, क्या रहस्य है, कभी सोचा क्या रहस्य है? पता ही नहीं हमारे लोगों, क्या रहस्य है? जो रहस्य है पता ही नहीं, रहस्य ये है, वो रहस्य मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। देखो साथियों, ब्राह्मण जब OBC 52% की गिनती करता है तो हिंदू के नाम पर करता है, हिंदू और हिंदू धर्म का ठेकेदार ब्राह्मण है। जब OBC की गिनती हिंदू के नाम पर हो जाती है तो 3% ब्राह्मणों का जो हिंदू का अकाउंट है उस अकाउंट में 52 मिल जाता है तो 55 हो जाता है। समझ आ रहा है? ब्राह्मण का जो अकाउंट है हिंदू नाम का, जब 52% OBC की गिनती ब्राह्मण करता है हिंदू के नाम पर तो 52 का अकाउंट जो है जमा होता हिंदू में, तो 3% ब्राह्मण 55 हो जाता है। और जब OBC जो 52% है अपना अकाउंट खोलकर देखता है तो साला अकाउंट में 0। OBC का जो 52% का जो अकाउंट है वो अकाउंट में 0 दिखाई देता है। अरे जब 52% OBC की गिनती OBC के नाम पर हो ही नहीं रही है तो उसके अकाउंट में 0 नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? ये बात हमारे लोगों को समझ में नहीं आती है। एडल्ट फ्रेंचाइज है, प्रौढ़ मताधिकार है, प्रौढ़ मताधिकार के आधार पर ये 52 जब हिंदू के नाम पर जमा होता है तो फायदा ब्राह्मण को ही होता है। हजारों साल का ठेकेदार ब्राह्मण है हिंदू का तो फायदा भी हिंदू के नाम पर ब्राह्मण को होगा। मान लो जाट समाज के नाम पर संगठन बनाओ, ब्राह्मण सदस्य भी नहीं हो सकता, नेता कहां से बनेगा जाट समाज का? कुशवा समाज बना, संगठन बना, अखिल भारतीय कुशवा समाज, अखिल भारतीय हो या ना हो, अखिल भारतीय कुशवा समाज, यादव समाज और न जाने और कुर्मी समाज बनाओ तो ब्राह्मण सदस्य भी नहीं हो सकता, नेता कहां से बनेगा? कुर्मी समाज का, यादव समाज का? अरे सदस्य ही नहीं हो सकता, नेता कहां से बनेगा? मगर वही ब्राह्मण जब हिंदू के नाम पर संगठन बनाता है, सारे 52 को हिंदू में जमा कर देता है और सभी 52 का नेता बन जाता है, हिंदू का नेता ब्राह्मण ही बनता है, हिंदू का नेता कभी कोई OBC नहीं बन सकता है। ये बात आप लोगों को, ये रहस्य आप लोगों को समझना होगा। इस तरह से
3% ब्राह्मण, अल्पसंख्यक ब्राह्मण बहुसंख्यक हो जाता है, और बहुसंख्यक होने के बाद सत्ता पर काबिज हो जाता है, राज सत्ता पर काबिज हो जाता है और अपनी सुप्रीमेसी स्थापित करता है। और इस वजह से उन्होंने यहाँ जानवरों की गिनती करते हैं, गधे घोड़ों की गिनती करते हैं, कुत्तों की गिनती करते हैं, मगर ओबीसी की गिनती नहीं करते हैं। उन्होंने हमारे लोगों को गुलाम बनाकर रखा है। गुलामी हमारी सबसे बड़ी समस्या है, आजादी सबसे बड़ा समाधान। आजादी कैसे मिलेगी? आजादी मिलने के दो तरीके हैं। एक तरीका है, दुनिया वालों ने बताया, हथियार बंद आंदोलन चलाना होगा, ये हिंसक होता है इसलिए हम नहीं मान। दूसरा तरीका है जन आंदोलन। जन आंदोलन को करना होगा, और जन आंदोलन कैसे होगा, जन आंदोलन कैसे होगा आपको बताता हूं। जब भी राज्यों में मिनिमम 550 जिलों में, 5000 तहसीलों में, 50000 ब्लॉक में, 6 लाख गांव में अगर संगठन बनाओ, और एक गांव में अगर 50 लोगों को एवरेज तय करो, 6 लाख × 50 3 करोड़, 100 करोड़ 6 करोड़, 150 करोड़ 9 करोड़, 200 करोड़ 12 करोड़, 250 करोड़ एक गांव में 15 करोड़, मिनिमम 3 करोड़ और मैक्सिमम 15 करोड़ लोगों को अगर आप तैयार करते हो तो यह आंदोलन आंदोलन नहीं रहेगा, यह जन आंदोलन हो जाएगा। और अगर ये जन आंदोलन हो गया तो आप खुद मुख्तार हो सकते हो, आजाद हो सकते हो। आज भी हमारे